लोकसभा इलेक्शन जिनके रिजल्ट कल यानी कि 4 जून को आने हैं। एग्जिट पोल के नतीजे हम सबने देख लिए हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है, लेकिन चुनावी रिजल्ट आने से ठीक पहले आम आदमी को लगा है बड़ा और तगड़ा झटका। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ गई है। अमूल और मदर डेयरी दोनों ही बड़ी कंपनियां जिन्होंने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जोरदार झटका ये आम लोगों के लिए। हर घर में दूध आता है और दूध की खपत होती है। अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम। मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, यानी कि आज से ही जब आप दूध लेने के लिए अगर जाएंगे तो फिर अब 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको देने होंगे। चुनावी रिजल्ट से ठीक पहले मदर डेयरी और अमूल दोनों ने ही दाम बढ़ा दिए हैं। आम जनता पर महंगाई की ये एक और मार पड़ी है। महंगाई की मार झेल रही जनता जो पहले से परेशान थी, एक और झटका उन्हें लगा है। देश भर में अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। महंगाई के बीच में अमूल दूध के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दूध की कीमत में ये बढ़ोतरी आज से ही लागू हो गई है। दिल्ली में दाम बढ़ने के बाद ग्राहकों को अमूल गोल्ड के लिए 66 रुपए की जगह अब 68 रुपए चुकाने होंगे, जबकि आधा लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 34 रुपए होगी। इसके अलावा अमूल ताजा आधा लीटर की जो कीमत है वो 26 रुपए से बढ़कर अब 27 रुपए हो गई है। अमूल शक्ति आधा लीटर की कीमत 29 से बढ़कर अब 30 रुपए कर दी गई है। अमूल ताजा स्मॉल पाउच को छोड़कर सभी के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं अमूल गाय के दूध के लिए यानी कि काउ मिल्क के लिए उपभोक्ताओं को अब 56 रुपए प्रति लीटर चुकाने होंगे। इसके अलावा अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए और अमूल टी स्पेशल की कीमत 62 रुपए प्रति लीटर होगी। अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली GCMMF के MD जैन मेहता ने कहा है कि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए किसानों को ये बढ़ोतरी आवश्यक है, यानी उस लिहाज से ये बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी तब हुई है जब कल ही देश में चुनावी रिजल्ट सामने आने हैं, यानी कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने हैं। ये मालूम हो जाएगा कि देश में अब की बार बनने जा रही है किसकी सरकार, जिसका अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक लगाया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से मोदी देश के बनने वाले हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से मोदी सरकार यानी कि बीजेपी NDA की सरकार रिपीट हो रही है, वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ ही। लेकिन इन सब के बीच में जहां लोग चुनावों पर नजर डाल रहे थे, नतीजों का इंतजार कर रहे थे, नतीजों के इंतजार में ये भी उम्मीदें थी कि मोदी सरकार आएगी तो बहुत सी बड़ी योजनाएं और बड़े लाभ आम लोगों के हित में होंगे, लेकिन इलेक्शन डेट से ठीक पहले यानी कि जो रिजल्ट डेट है 4 जून, उससे ठीक पहले आज 3 जून को एक और महंगाई का झटका आम लोगों पर पड़ा है, जिसने अमूल और मदर डेयरी दोनों ही दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी गई है। अब आप अगर आपके घर में 1 लीटर दूध की खपत है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा। कई घर ऐसे हैं जहां पर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो तक भी दूध की खपत है। डिपेंड करता है कि दूध कितना कंज्यूम किया जाता है या घर के मेंबर कितने हैं। अब प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। मदर डेयरी ने और अमूल ने, दोनों ही कंपनियों ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। फिर चाहे आप किसी भी वर्ग के लोगों की बात कर लीजिए, किसी भी फैमिली की बात कर लीजिए, ऐसा शायद ही कोई घर हो। हर घर में दूध आता है, दूध की खपत होती है। फिर चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, चाय, दूध, दही, दूध से बनने वाले और तमाम प्रोडक्ट जिनके लिए दूध की खपत होती है, दूध का इस्तेमाल किया जाता है और हर घर में आने वाला दूध आज से अमूल और मदर डेयरी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ गए हैं। यानी आम लोग जो महंगाई से परेशान थे, घर का बजट बिगड़ा हुआ था, अब इस एक्स्ट्रा बोझ के लिए आम लोग तैयार रहें। दिल्ली से आरजू सेठ जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आरजू, सब इलेक्शंस में बिजी रहे, इलेक्शंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, इसी बीच महंगाई का ये बड़ा झटका आज आम लोगों को लग गया है।
बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी इलेक्शन में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं, हमने कुछ लोगों से भी बात करी, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अभी तो उनकी उंगली की सिहाई भी नहीं मिटी है और इलेक्शन खत्म होते ही दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर उनकी नाराजगी दिख रही थी। इस वक्त हम मदर डेयरी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें मदर डेयरी और अमूल देश की सबसे बड़ी दो दूध की कंपनियाँ जो हैं उन्होंने अपने दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं और इसका असर देखिए साफ तौर पर दूध से बनी हुई चीजों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। जितनी भी मिठाइयां होती हैं सब खोए से बनती हैं, दूध से बनती हैं। वहीं दही की बात करें क्योंकि गर्मियों में दही का कंजप्शन भी बढ़ जाता है तो दही के रेटों में भी जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। और फिलहाल आपको दिखाएं तो नई लिस्ट जो है वो स्टोर के बाहर लगा दी गई है, नोटिस सर्कुलर जो है वो लगा दिया गया है और ये सभी जो भी रेंटेड शॉप है, कंबाइंड शॉप है या फिर जितनी भी मिल्क शॉप है उनमें एग्जीक्यूट होगा। देखिए जो एग्जिस्टिंग MRP जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया 52 है, वो 54 हो गई है। वही 72 का जो रेट था एग्जिस्टिंग वो 74 हो जाएगा, 36 वाला 37 हो जाएगा। तो लगातार बढ़ोतरी जो है कहीं ना कहीं 2 रुपये 4 रुपये, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क हो, बफेलो मिल्क हो, काऊ मिल्क हो, सभी मिल्क पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये नोटिस जो है वो जून 2 को लगाया गया, यानी कि ये नोटिस कल लगाया गया रात को और आज सुबह से ही जो MRP है, जो मार्केट प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो गया है आज सुबह से ही। तो साफ तौर पर लोग यहाँ पर दूध खरीद रहे थे तो हमने उनसे भी बातचीत करी। अभी फिलहाल 1 बजे ये स्टोर जो है वो बंद हो जाता है तो अभी ये स्टोर बंद हो गया, लेकिन जब यहाँ पर लोग मौजूद थे तो हमने उनसे बातचीत करी और उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो निकल के सामने आ रहा था, क्योंकि वो अभी कह रहे हैं अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं, अब दूध के दाम बढ़ गए, आने वाले समय में पता नहीं और किस किस की चीज़ों के दाम जो है वो उनको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर मुश्किलें लोगों की बढ़ गई है। आपको तस्वीरें हम मदर डेयरी के इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं और साफ तौर पर रेट जो है चाहे अमूल के हो, मदर डेयरी के हो, दोनों ही दूध की कंपनियां हैं और उनके रेट बढ़ गए हैं। कोशिश करेंगे एक बार यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, क्योंकि ये भी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है और यहाँ पर भी दूध मिलता है, तो यहाँ से लोग जो मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। सर अगर बात करें तो अमूल और मदर डेयरी दोनों ने ही दूध के रेट को बढ़ा दिया है, कितना मतलब आप लोगों पर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि दूध से बहुत सारी चीजें बनती है उनके भी रेट बढ़ जाएंगे साफ तौर पर? क्योंकि मैडम ये रोजमर्रा की चीजें हैं ये जो हम रेगुलर यूज करते हैं और इसी पे ही रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि पहले पेट्रोल पे रेट बढ़ाए गए थे, अभी दूध पे बढ़ा दिए, अभी धीरे धीरे ये ब्रेड वगैरह ये भी, अभी आप देख लो ये 25 रुपए की हार्वेस्ट की ब्रेड थी, अभी 27 रुपए की हो गई है। और जो ये माई इंग्लिश ओवन की थी पहले ये 20 रुपए की देते थे, MRP भी 20 रुपए आती थी, अभी आप देख सकते हो 25 रुपए हो चुकी है ये। पहले इन्होंने हर चीज पे 2-3 रुपए बढ़ा दिए हैं जिससे आम आदमी को प्रॉब्लम होगी। हाँ, और अमूल ने भी बढ़ाए हैं आज और मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं, सारी ही कंपनियों ने बढ़ा दिए। कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि बजट जो है कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, चाहे 10 रुपए बढ़े चाहे जी जी बजट बिगड़ेगा, सभी लोगों का बजट बिगड़ेगा, इससे लोगों में गुस्सा भी आएगा क्योंकि जैसे इलेक्शन खत्म हुए वैसे महंगाई बढ़ जाएगी, ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया जिसमें कल रिजल्ट आना है, इन्होंने 2 दिन पहले ही रेट बढ़ा दिए हैं। अभी कह रहे थे 4 तारीख को रिजल्ट है, आज 3 तारीख है, पहले ही रेट बढ़ा दिए ताकि कल को कोई बोले ही ना पब्लिक। अच्छा कि रिजल्ट के बाद हाँ जी के भाई ये सरकार आ गई कर गए कि एक दिन पहले बढ़ा दो, जिसकी सरकार बनेगी उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि का बंदा तो लेगा जिसको जरूरत होगी मैडम, दूध जिसको चाहिए होगा वो लेगा ही लेगा। एक दिन में कितने लीटर लेते हैं मैडम? 2 लीटर तो मैक्सिमम लगता ही लगता है हमारे घर में। तो अब रेट बढ़ गए तो अब तो असर, हाँ जी अपडेट करेंगे, अपडेट कर देंगे। हाँ जी तो देखिए रचना साफ तौर पर लोग जो कह रहे हैं कटौती जो है वो करेंगे, जो 2 लीटर ले रहे थे अब 1.5 लीटर ही लेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कटौती तो करनी पड़ेगी। देखिए इस स्टोर पे भी भैया आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आप भी दूध रखते हैं शॉप पे? आगे आ जाइए। रखते थे लेकिन रेट बढ़ने की वजह से नहीं लिए। अच्छा रेट बढ़ने की वजह से नहीं लिया है, कब जान आज से ही एग्जीक्यूट हो गया रेट, तो आज से ही बंद कर दिया दूध लेना? अच्छा तो देखिए रचना साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि पहले दूध रखते थे अपनी दुकान पे, लेकिन आज से जब रेट बढ़ गए तो आज उन्होंने दूध के पैकेट जो है वो लिए ही नहीं है शॉप पर। तो साफ तौर पर इसका असर चाहे वो शॉपकीपर हो उस पर भी नजर आ रहा है, ग्राहक जो यहाँ पर मौजूद है उन पर भी असर जो है इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ते दाम हर किसी के लिए मुसीबत जो है वो लेकर आ जाते हैं। जी रचना, बढ़े हुए दाम हर आम आदमी पर असर डाल रहे हैं और घर का बजट भी बिगाड़ रहे हैं, प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए बहुत ज्यादा है और इलेक्शन के बाद चूंकि लोगों ने एक तरफा वोट किए हैं जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं
आरजू और एक तरफा इशारा ये कि मोदी की सरकार एक बार फिर से देश में बनने वाली है, ऐसे में राहत की उम्मीद थी लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आफत आ जाएगी। जी बिल्कुल, इसी चीज़ की बात जो है लोग कर भी रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने जब वोट कर रहे थे वो दोनों इन इश्यूज़ पे ही वोट किया है। हमने बात करी लगातार, हमने जो लोगों की आवाज़ है वो इंडिया न्यूज़ पर दिखाई है किस तरीके से लोगों के मुद्दे क्या थे जिन पे उन्होंने वोट किया है। साफ तौर पर उनका ये कहना था डेवलपमेंट जो है, महंगाई जो है, यही मुद्दे हैं जिन पे उन्होंने वोट किया है। लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे इसी पर रिएक्शन ले लेंगे कि लोग एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं आरजू जो दूध की खपत में अब कमी लाने वाले हैं, पैकेट कम खरीदेंगे, दूध कम खरीदेंगे। जल्दी से रिएक्शन ले लीजिए, फिर दूसरी खबर पर हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जैसे अब सरकार बीजेपी की बन रही है लेकिन महंगाई भी उस तरीके से बन रही है। क्या कुछ मुद्दे थे जिनको ध्यान पे रख के वोट किया है और अब तो महंगाई भी बढ़ रही है तो खपत करेंगे, क्या चीज कैसे रहेगा? मैडम जैसे कि अब आप अभी आपने पूछा था कि भाई ये हर चीज़ पे रोज जो हमारे रोज यूज़ होती है चीज़ें, डेली यूजेस में आती है, दूध, ब्रेड, दही, मक्खन, पेट्रोल, जिसपे पहले ही गवर्नमेंट बनने से पहले ही, सरकार बनने से पहले ही रेट बढ़ा दिए गए हैं। और जो हम किस तरीके से कटौती करेंगे, 1.5-2 किलो हमारे घर में यूज़ होता है दूध, हम 4 मेंबर हैं और दूध ऐसी चीज है जो अंदर में आता है, ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा घर का बजट कैसे बनाएं और कैसे फिर दूध की कटौती करें, यानी कि कीमत बढ़ने के बाद दूध कम खरीदना शुरू करें ताकि घर का बजट बैलेंस हो सके। आरजू बहुत शुक्रिया आपका।